विद्यार्थी से पूछा कि एक टीले पर 10 भेड़ें खड़ी हैं, तूफान आया तो 4 भेड़ें नीचे उतर गई, तो टीले पर कितनी भेड़ें शेष रही? सबने कहा 6, सबने कहा 6। एक विद्यार्थी बोला एक भी नहीं। कहा क्यों? बोले जब एक भेड़ चलती है तो उसके पीछे जितनी भेड़ें होती सब चली जाती है, 4 उतर गई तो 6 क्या कर रही थी वहां। तो ये जो अनुभव की बातें हैं ये गणित से समझ में नहीं आती, अनुभव की बातें हैं। एक अध्यापक ने एक विद्यार्थी से पूछा कि तुम्हारे पिता हमसे 5,000 रुपए उधार लें 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से, तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे, हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी बोला सर एक नया पैसा नहीं। अध्यापक ने डांट कर कहा क्यों रे तुझे गणित नहीं आता है? बोला हमें तो गणित आता है, हम तो हिसाब जानते हैं, पर आप हमारे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो तुम्हारा ही देगा। तो बोलो अनुभव की बात कह रहा है, सीधा गणित नहीं लगता लेकिन उसके अनुभव की बात है। इसी तरह गुरुदेव के वचन को बुद्धि के गणित से समझने की चेष्टा न करो, बल्कि गुरुदेव के वचन को तो वेद मंत्र मानकर श्रद्धा पूर्वक पालन करो, यही गुरुदेव की महिमा है। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, दो, मैं कह रहा हूं दो। और तो विश्वामित्र जी को राम जी लक्ष्मण जी मिले किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। हम लोग देखो कितना बढ़िया सोचते थे पुराने समय में, जीवेम शरदा शतम पश्येम शरदा शतम, हम 100 वर्ष तक जिएंगे, 100 वर्ष तक देखेंगे, 100 वर्ष तक हमारी उम्र होगी, ये हम संकल्प करते थे। अब हो चाहे ना हो पर संकल्प तो करो। हम जीने की बात करते थे, ये हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है, अब पता नहीं क्या हो गया, जीने की कोई बातें नहीं करता, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, दुख में तो कराहते हुए कहते कि मरे जा रहे हैं, और कहीं प्रसन्नता आ जाए तो बड़ी मुश्किल, तो भी मरते हैं, हम उन पे मरते हैं, वो उन पे मरते हैं, वो उन पे मरते हैं, पता नहीं क्या हो गया देश को। आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, और भीम की औलाद मजनू के फसाने गा रही है।